के पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आपके राशि में अभी भी उच्च का सूर्य है। आपके राशि में बुध शुक्र की अब युति बन चुकी है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र आपके राशि में है, तो कहने का आशय मेरे ये है कि निश्चित रूप से आपको आज धन लाभ होगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आज आपके काम की तारीफ होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज अपने जीवन साथी से आप अपने दिल की बात कह पाएंगे। आज पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। शांत स्वभाव रखिए, वाद विवाद से बचिए। जरूरतमंद विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बंटवा सकते हैं तो बंटवाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हां, तो आगे आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा है और अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं जानकारी दे दूं कि आज का कालचक्र इसलिए भी और खास हो जाता है कि हमने फिर से शुरुआत की है कि पंडित जी आपके कुंडली को बनाकर भेजेंगे। जो भी कुंडली विजेता होंगे, क्या पता आप में से कोई हो, और आज की जानकारी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल, आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपके व्यय भाव में सूर्य शुक्र और बुध की स्थिति है। धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है, जो पराक्रम भाव का स्वामी है। धन लाभ तो होगा, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, लेकिन उसी के अनुरूप खर्चा भी बढ़ेगा। आज आपके बॉस और सहकर्मियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। गलतफहमी की वजह से दूसरों के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। गलत खान पान सेहत को बिगाड़ सकता है। आज वाणी पर काबू रखिए, भगवान गणेश को पीले फूल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल, आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं, आपके भाग्य स्थान में शनि विद्यमान हैं, लेकिन आपके व्यय भाव में बृहस्पति है। जरा सा भी लापरवाही करोगे तो आज धनहानि हो सकती है। पैसे देखते के देखते गायब हो सकते हैं और फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी। हाँ, सहकर्मियों के साथ अगर काम करना है तो प्लानिंग बना करके काम करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम मत शुरू करिए, बल्कि पहले प्लानिंग बनाइए और रिश्तों को लेकर के ज्यादा भावुकता मत दिखाइए। लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, वरना बीमार पड़ोगे। उधार किसी को मत दीजिए, वरना पैसा फंसेगा। काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी अगर व्यय भाव में है तो इसका मतलब कि आप पैसों के हिसाब किताब में आज भूल भटक कर सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है, काम में परेशानी हो सकती है, लेकिन सहकर्मी आपके लिए सहयोगी होंगे। पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा होगी। बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है। कागजी कार्यों में सावधानी बरतें। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो भाग्य स्थान में सूर्य है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप भविष्य को ध्यान में रख करके आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज आपको अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
आज परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, आज आप थकान और परेशान रहेंगे। अनजान व्यक्ति से अपनी गोपनीयता ना कहें, छोटी कन्याओं में वस्त्रदान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत, जान लेते हैं। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। पैसा तो बढ़ जाएगा, बचत भी हो जाएगी, आज मुश्किल कार्यों को भी आप आसानी से पूरा कर लेंगे। पारिवारिक उलझने भी कम होंगी, आज आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। नई योजना में निवेश से लेकिन बचिए, किसी नई योजना में और किसी के कहने में आकर के निवेश मत करिए। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो व्यय भाव का केतु आपको एक तरह से चैलेंज कर रहा है कि आज आप बचो, आज आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। नई नौकरी से जुड़ा सुनहरा मौका मिल सकता है, धैर्य रखिएगा, बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी किसी के कहने में आकर मत खरीदिए, पहले उसका पूरा जांच पड़ताल करिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके सप्तम भाव में बृहस्पति है और आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो बच्चों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, अधिक काम का दबाव रहेगा। किसी के साथ कठोर भाषा का प्रयोग बिल्कुल न करें। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें और गाड़ी चलाते समय खूब सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको नए प्रोजेक्ट से फायदा मिल सकता है भाई, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति भले छठे भाव में है लेकिन पंचम में सूर्य बुध शुक्र ये आपके लिए लाभकारी हैं। कोई नया कारोबार भी अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा, पीठ का दर्द आपको परेशान करेगा। अनजान से अपनी बातें साझा न करें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपके राशि का स्वामी शनि देव द्वितीय भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके आमदनी का मालिक बृहस्पति तो अपने से छठा है, तो आज आपके साथ पैसों को लेकर के कोई धोखाधड़ी हो सकती है। अपना काम किसी दूसरे पर बिल्कुल ना छोड़ें। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें और अजनबियों से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश ना करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। उसके पहले जान लेते कुंभ राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि अपनी राशि में, आपके द्वितीय स्थान में मंगल राहु, बुध शुक्र और सूर्य की स्थिति तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में बृहस्पति। कारोबारी डील अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो धन हानि हो सकती है, सावधान रहिएगा। और नौकरी पेशा लोग आज संयम के साथ नौकरी करें, उद्दंडता बिल्कुल ना करें।
नए रिश्ते बनेंगे, शादी की बात पक्की हो सकती है, नींद ना आने की भी समस्या हो सकती है। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए स्थिति यह है मीन राशि वालों की कि आपके राशि से तृतीय भाव में बृहस्पति है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, तो आप घर के डेकोरेशन पर आज पैसा खर्च कर सकते हो। नौकरी में भी तरक्की का योग बन रहा है। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो सर्वाइकल या पीठ दर्द की भी समस्या हो सकती है। पैसों का लेन देन जल्दबाजी में न करें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी।